हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने अपने चैप्टर नंबर 1 साइंस के उसमें हमने पढ़ा था कि वेयर डज द फूड कम फ्रॉम, कहाँ से हमारा खाना आता है, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ फूड, राइट। आज के हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। अब क्या होता है कंपोनेंट ऑफ फूड, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। हमने चैप्टर 1 में देखा था, एक लिस्ट बनाया था कि हम कौन कौन सी फूड आइटम खाते हैं, है ना। फिर हम उस फूड आइटम को इंडिया के कौन कौन से पार्ट से आती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। तो अगर हमें कोई मील खाना है, जैसे कि चपाती, दाल, ब्रिंजर करी और मे बी राइस, राइट। सो हमने ये सोचा था कि अगर हमें ये बनाना है, ये वेजिटेबल या फिर ये वाली जो इंग्रेडिएंट है वो हम उसमें से क्या क्या यूज़ करेंगे और किसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हमने उसकी भी एक लिस्ट बनाई थी, है ना। तो आपको ये याद है ना हमारा चैप्टर नंबर 1। सो अभी मुझे ये बताओ कि खाने में से हमें क्या मिलता है, खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना जो मम्मी आपको ज़बरदस्ती कभी कभी खिलाती है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें से हमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट मिलते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ऐसे इंग्रेडिएंट जो कोई भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी जो होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं और कुछ डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें होती है, ऐसे फूड कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। और इसे खाने से आपकी बॉडी जो पहले जैसे थी वो बढ़ेगी और फिर आपको एक एक टाइप का एनर्जी उससे मिलेगा। अच्छा सोचो कि जब आप जूनियर केजी में सबसे पहले पढ़ने के लिए आए थे तब आप छोटे से थे, है ना। इतने छोटे छोटे आपके उंगलियां थी, छोटे छोटे पांव थे, है ना। आप कितने छोटे थे तब, अब धीरे धीरे करके आप अभी 6th स्टैंडर्ड में हो, तो क्या पहले जैसे ही रहे हो, छोटे से रहे हो क्या? नहीं ना, आप बड़े हो ना। तो आप जो ग्रो करते हो, आप जो बढ़ते हो, आपका दिमाग तेज़ चलता है, उन सब के पीछे हमारा खाना होता है। और खाना इस प्रकार से होता है कि अगर हम अच्छे से खाना खाएं और अच्छे से न्यूट्रिएंट के साथ हम लोग खाना खाएं जो ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो आपका ग्रोथ जो होता है वो एकदम परफेक्टली होता है और आप अपनी जो बढ़ने की क्षमता है उसको बनाए रखते हो। कभी कभी आप सोचो आप बीमार पड़ जाते हो और डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन्स की कमी है, आपको ये खाना चाहिए, आपको भरपूर खाना खाना चाहिए, है ना। तो ये सब हमारे खाने पे डिपेंड होता है कि हम लोग क्या खाते हैं और हम कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट, क्या सारे जो फूड होते हैं उनमें ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं? न्यूट्रिएंट माने जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइट्री फाइबर जो होते हैं वो, राइट। तो ये सारे न्यूट्रिएंट क्या सारे खाने में मिलते हैं? तो हमें आज ये टेस्ट करना है कि क्या किस खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मान लो हमें अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करनी है तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, पहले हमें ये सोचना है कि कार्बोहाइड्रेट आखिर हमें कौन से फूड से मिलता है। सो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, जैसे कि वीट है, राइस है, बाजरा है, पोटैटो है, सुगर कैन, पपाया, मेलोन, मैंगो, मेज़, या मेज़ माने क्या होता है, मेज़ कॉर्न, कॉर्न जो हम खाते हैं वो, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट होता है और मान लिया, है ना, पर कार्बोहाइड्रेट की उसमें वहाँ पर मौजूदगी है वो हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके बॉडी को एनर्जी देता है, आपके बॉडी को वन टाइप ऑफ ग्रोथ देता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, वो स्टार्च से या फिर शुगर से मिलता है। स्टार्च यानी हम जो पोटैटो खाते हैं, मेज यानी कि जो मकई खाते हैं उससे, उन सब से हमें वन टाइप ऑफ स्टार्च मिलता है और जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। शुगर कैन जो होती है, फिर जैगरी हम लोग खाते हैं, तो उनसे भी हमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी फूड में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी फूड आइटम एक जगह पर लेंगे, यहाँ पर फूड आइटम के तौर पे हम लोग पोटैटो लेंगे, ठीक है। पोटैटो को हम एक सरफेस पे रखेंगे, उसके छोटे से कट निकालेंगे, जैसे हम वेफर्स बनाते हैं वैसे छोटा सा एक कट उसमें से निकालेंगे,
फिर हम लोग उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन का एक ड्रॉप वहाँ पर लगाएंगे। अगर हम लोग लेबोरेटरी में होते तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती, पर अभी हमें इसको सिर्फ पिक्चर में से समझना है। सबसे पहले क्या करना है, पोटैटो को छोटा सा कट लेना है पोटैटो का, फिर हमें आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसके 2 या 3 ड्रॉप को डाइल्यूट करना है वाटर में, इससे हमें मिलेगा आयोडीन सॉल्यूशन, राइट। फिर उस आयोडीन सॉल्यूशन को हमें पोटैटो के ऊपर रखना है। जैसे ही हम लोग उसको पोटैटो के ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर में आप देखोगे, विद इन अ फ्यू सेकंड आप देखोगे कि पोटैटो में जहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन रखा है उसका कलर चेंज होके ब्लू या फिर ब्लैक हो जाएगा। ओके, ब्लू जैसा ब्लैक आप देखोगे वहाँ पर, कि वो इंडिकेट करता है वहाँ पर स्टार्च मौजूद है। ये वाला टेस्ट हम दूसरी फूड आइटम के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। अगर हमें मकई का आटा मिल जाए वहाँ कहीं पर, तो उस पर भी हम ये सॉल्यूशन डाल के हम लोग वहाँ पर ये कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन की। सोर्स जो होता है फूड का, उसमें से प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे कि ग्राम है, मूंग है, तुअर दाल है, बीन्स है, सोयाबीन है, पीज है, ये सारे पल्सेस जो हैं उसमें से हमें प्रोटीन का सोर्स मिलता है। फिर मिल्क होता है, किसी टाइप की फिश होती है उसमें से भी हमें प्रोटीन मिलता है, पनीर जो हम खाते हैं उसमें से भी हमें प्रोटीन मिलता है, एग्स जो होते हैं उसमें से भी प्रोटीन मिलता है। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं उसमें से हमें प्रोटीन की अच्छी सोर्स मिलती है। तो हम कैसे पता करें कि हमारा जो फूड है उसमें प्रोटीन है? तो प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, वो आपकी बॉडी को बिल्ड करता है। आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो हम कैसे पता करें कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है कि नहीं, उसके लिए भी हमें एक छोटा सा टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या आइटम चाहिए? हमें चाहिए कॉपर सल्फेट चाहिए, और हमें चाहिए कॉस्टिक सोडा, राइट। ये सारी चीज़ें हम लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं, घर पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। सो हम लोग यहाँ पर कैसे पता करें कि हमारे फूड में प्रोटीन है कि नहीं? सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटी सी क्वांटिटी में हमें फूड आइटम लेनी है। फूड आइटम के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं, मूंग की जो दाल है उसको ले सकते हैं, ग्राइंड करके हम उसको ले सकते हैं, और उसको उसके ऊपर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट और उस कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डाल के हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में इसको सेक करेंगे, ठीक है। हम उसको सेक करेंगे अच्छे से पानी के साथ, तो वहाँ पर थोड़ी ही मिनटों में जो कलर होगा उसका, अंदर जो टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन डाला उसका और मूंग का जो हमने पाउडर डाला उसका, दोनों का कलर हो जाएगा वायलेट या फिर पर्पल। तो ये जो वायलेट कलर होता है वो प्रोटीन की प्रेजेंस हमें फूड आइटम में बताता है। इसी तरह से आप अलग अलग चीज़ें जिसमें से हमें प्रोटीन मिल सकता है उसमें ये टेस्ट रिपीट करके आप लोग चेक कर सकते हो। सो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम कैसे करेंगे, फिर हमने प्रोटीन का टेस्ट देखा, अभी हम लोग फैट का टेस्ट करते हैं। फैट हम लोग जो खाते हैं, बटर में से मिलता है आपको, ऑयल में से मिलता है, और फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में लुब्रिकेंट का काम करता है, हमारी बॉडी के पार्ट को ठीक रखने के लिए और फिर हमें थोड़ी एनर्जी देने के लिए भी वो बहुत ज़रूरी होता है फैट। और सोचो कि अगर मैं बहुत सारा फैट अपने शरीर में डालूंगी फिर क्या होगा, जैसे कि मुझे पोटैटो चिप्स अच्छी लगती है, मैं पूरा दिन वही खाती रहूंगी तो मुझे फैट मिलेगा ना, पर वो मेरी बॉडी को नुकसान करेगा, मुझे इतना सारा पोटैटो चिप्स अपने लिए नहीं खाना है, ठीक है। फैट हमारे बॉडी में अगर लिमिटेड क्वांटिटी में जाए तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। सो हम कैसे पता करें कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें फैट है कि नहीं? आप जैसे देख सकते हो कुछ कुछ जो होते हैं ऑयल सीड, उसमें से हमें ऑयल मिलता है, राइट। जैसे कि ग्राउंड नट होता है, फिर सीसम होता है, उस इसमें होता है, उसमें से हम लोगों को क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, राइट। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारी जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसमें फैट है कि नहीं? क्या करेंगे हम लोग, एक सिंपल का एक पेपर लेंगे, छोटा सा पेपर लेके उसके ऊपर हम लोग ग्राउंड नट या तो फिर कोई ऐसा सीड जिसमें से हमें ऑयल मिले उसको उसके ऊपर धीरे धीरे करके घिसेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अंदर जो ऑयल होगा वो आपको पेपर पे आता हुआ दिखेगा, फिर आप उस पेपर को थोड़ी देर के लिए उजाले में रखना, या लैंप के सामने या तो फिर सनलाइट के सामने, तो आपको एक छोटा सा धब्बा आपको कागज़ पर दिखेगा। सो वो क्या दिखाता है कि हम जो खाना खा रहे हैं या तो फिर ग्राउंड नट में जिसमें आपने ये टेस्ट किया उसमें वहाँ पर फैट मौजूद है, ठीक है। ये वाला जो टेस्ट है ऑयली पेज का, वो आप घर पे भी कर सकते हो,
है ना, एक कागज लेके उसमें आप थोड़ा सा ग्राउंड नट जो आपके घर पे होता है, मूंगफली जिसे हम बोलते हैं, उसको आप घिस के कागज पे आप दिखा सकते हो कि इसमें ऑयल है कि नहीं। ये वाला टेस्ट तो हम घर पर भी कर सकते हैं, है ना। या तो फिर कोई भी खाना आप जो खा रहे हो उसको कागज पे थोड़ा सा ड्रॉप गिराओ, या तो फिर घी का ड्रॉप गिराओ, या तो फिर आप बटर का ड्रॉप गिराओ, तो उसमें एक धब्बा सा जैसा दिखाई देगा आपको। तो वो क्या दिखाता है कि हमारे जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें ऑयल यानी कि फैट है, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट हम घर पे भी कर सकते हैं। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, ये सारे टेस्ट शो हमने किए वो हमें क्या दिखाते हैं, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। अपने जो सारे फूड के आइटम टेस्ट किए उसमें क्या ये सारी चीज़ें थी। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, किसी भी फूड आइटम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही न्यूट्रिएंट हो सकता है कि इसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन दोनों साथ में मिले, या फिर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट भी हो सकता है जिसमें से हमें फैट भी मिले, प्रोटीन भी मिले और कार्बोहाइड्रेट भी मिले, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप की प्रोटीन की जो होती है, अलग अलग टाइप की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, ये सारे न्यूट्रिएंट जिसमें हमें मिले वो सारी हम लोग चीज़ें एक एक करके देखते जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए ये अलग अलग जो न्यूट्रिएंट हम लोग खाते हैं वो क्या काम करते हैं, अभी हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। What do various nutrients do for our body? Carbohydrate mainly provide energy to our body. Fat also gives us energy. In fact, fat gives us more energy as compared to the same amount of carbohydrate. Food containing fat, carbohydrate are also called energy giving food. यहाँ पर देखो figure number 2.3 and figure number 2.4 में protein are needed for the growth and repair of for our body. Foods कैसे फूड्स ये हैं, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर क्रेन, ये सारे जो हैं वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये अलग अलग आपको फूड आइटम दिखाई दे रही है, ये वाली जो है वो सोर्स ऑफ फूड है किसके लिए, यहाँ पर फैट के लिए। ऊपर वाली जो है ये आपको दिखाई दे रही है ऊपर, वो जो है ये आइटम जो है वो एनिमल, सॉरी ये जो है वो प्लांट से मिलती है हमें, ऑयल सीड्स जो हैं ये सारे जो हैं वो प्लांट से मिलते हैं, और ये सारा जो है वो एनिमल सोर्सेस हैं। एनिमल सोर्सेस कैसे, बिकॉज ये मिल्क जो है वो हमें काउ से मिलता है, फिर हम मिल्क से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं घी बटर क्रीम करके, राइट। फिर ये फिश है, एग्स है, ये सारा जो है हमें एनिमल से मिलता है, सो ये एनिमल सोर्सेस हैं, और ये हमें प्लांट से मिलता है, तो ये है सोर्सेस ऑफ प्लांट, ओके। ये सारा जो है हमें फैट देता है और इससे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के लिए सोर्सेज कौन से रहेंगे हमारे, ये पल्सेस जो हैं सारी जो हमें प्लांट से मिलती है, कौन सी पल्सेस, ग्राम होती है, मूंग होता है, पीज होते हैं, राइट, तूर दाल, बीन्स होते हैं, ये सारा जो है हमें प्लांट से मिलता है प्रोटीन के लिए। और ये एनिमल सोर्सेस है जैसे कि मिल्क, मिल्क में से हम पनीर बना सकते हैं, पनीर भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। फिर ये फिश और एग जो होते हैं ये सारे एनिमल सोर्सेस हैं प्रोटीन के लिए, और ये सारे जो हैं वो हैं प्लांट सोर्सेस प्रोटीन के लिए, ठीक है। फिर प्रोटीन हमें क्या देता है, प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड जिससे हमारी बॉडी बनती है, हमारे बॉडी को ग्रोथ मिलता है। फिर विटामिन जो होते हैं, विटामिन आर प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, हमें कोई डिसीज होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग विटामिन भी खाते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी, विटामिन किस में हमें हेल्प करते हैं, हमारे बोन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग कैल्शियम जो दूध से मिलता है हम लोग कैल्शियम खाते हैं। फिर टीथ, टीथ को मजबूत करने के लिए, गम्स को मजबूत करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैल्शियम भी चाहिए होता है, विटामिन भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं, मिल्क वगैरह से मिलते हैं। विटामिन आर डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स, सम विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन है। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क में से, फिश ऑयल में से, पपाया में से, कैरेट, मैंगो, इन सब में से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए। देन विटामिन बी कहाँ से मिलता है हमें, वीट में से मिलता है, राइस में से मिलता है, फिर हम जो मीट खाते हैं लीवर उसमें से भी हमें विटामिन बी मिलता है। फिर विटामिन सी कहाँ से मिलता है हमें,
सारे जो फ्रूट हमें खट्टे लगते हैं उसमें से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। किसमें से? ऑरेंज, टमाटर, फिर ग्वावा होता है, आंवला होता है, और आपको पता है चिली में से भी हमें विटामिन सी मिल सकता है, ठीक है। फिर हमें कहाँ से मिलता है विटामिन डी? लीवर में से, मिल्क में से, बटर में से, फिर फिश में से, एग में से, और एक चीज़ है सनलाइट, जिसमें से भी हमें विटामिन डी अच्छी तरह से मिलता है। सनलाइट यानी कि सूर्यप्रकाश, उसमें से भी हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन के अलावा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि आयोडीन होता है, फिर फॉस्फोरस होता है, फिर आयरन होता है, और होता है कैल्शियम। ये जो है मिनरल्स कहे जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आयोडीन में से कहाँ से मिलता है हमें? नमक में से मिलता है। और फिर कहाँ से मिलता है? जिंजर वगैरह में से भी हमें आयोडीन मिल सकता है। फिर हमें फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? मेनली हमें फॉस्फोरस मिलता है बनाना से, और फिर राइस में से, और व्हीट में से भी हमें फॉस्फोरस मिलता है, और मिलता है चिली में से, मिल्क में से भी मिल सकता है, राइट। फिर हमें आयरन कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है पालक की जो सब्ज़ी, स्पिनच हम खाते हैं उसमें से, फिर हम फ्रूट खाते हैं एप्पल वगैरह उसमें से, ग्वावा जो हम खाते हैं उनमें से हमें आयरन का बहुत अच्छा सोर्स मिल सकता है। फिर हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है? जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम हमारे बोन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क में से। मेनली हमारा जो कैल्शियम होता है वो मिल्क में से होता है, और एग में से भी हमें कैल्शियम मिल सकता है। सो सम सोर्स ऑफ विटामिन बी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, व्हीट, राइस, लीवर वगैरह, इसमें से हमें विटामिन बी मिलता है, ठीक है। इसी तरह से आगे हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे, विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? ऑरेंज, टमाटो, ग्वावा, ग्रीन चिली वगैरह से। फिर विटामिन डी, जैसे मैंने आपको बताया सनलाइट भी होती है जो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। इसी तरह से हम ये सारे विटामिन जो होते हैं, विटामिन बी 12, ये सारे विटामिन हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बैलेंस डाइट किसे बोलेंगे? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज इन वाटर। सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। क्या बोलते हैं बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं? जिसमें न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स, विटामिन सब एक जैसी मात्रा में हो, एक कोई ज़्यादा भी नहीं, कोई कम भी नहीं। तो इसे ऐसा अगर कोई फूड है तो उसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। मान लो कि कोई इंसान ये पूरा फूड जो है वो इनफ तरीके से नहीं खाता। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। किसी फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट डेफिशिएंसी। क्या होता है कि हम लोग अगर बैलेंस डाइट नहीं खाते, पूरा जो हमारा फूड है वो प्रॉपरली हम लोग नहीं खाते, फिर क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाते हैं। क्या होता है डेफिशिएंसी डिजीज? किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बार बार नहीं खाते। जैसे आप दूध बार बार नहीं पीते हो, मम्मी बोलती है कि पी लो आपके लिए अच्छा है, फिर भी आप लोग नहीं पीते हो। कई बार आप खाना अवॉइड करते हो कि मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाऊंगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी को जिस टाइप का प्रोटीन, न्यूट्रिएंट वगैरह जो आपको चाहिए होता है वो आपको नहीं मिलता है। फिर आप में कोई भी डिसीज हो जाता है, जैसे आपको कोई खाना जो अच्छा नहीं लगता उसकी वजह से आपको कम दिखाई देने लगता है, या फिर आप अपने शरीर में वीकनेस महसूस करते हो, फिर आपको डायरिया वगैरह कोई बीमारी हो जाती है। तो ये सब आप जो खाना बैलेंस तरीके से नहीं खाते उसकी वजह से होता है। फिर हम जो खाना नहीं खाते अच्छे तरीके से उसकी वजह से कुछ डिजीज़ भी हमें हो सकते हैं। अगर हम लोग बैलेंस डाइट नहीं खाते तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिजीज़ भी हो सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स अगर हम नहीं खाएं तो विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन बी इवन हम नहीं खाए तो फिर बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी जो होता है वो वीक मसल का एक डिजीज़ है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी करके एक रोग हो जाता है, जो ब्लीडिंग गम्स वगैरह होता है उसकी वजह से। विटामिन डी जो है वो रिकेट्स करके एक रोग होता है, देन उसकी वजह से बोन जो है वो सॉफ्ट और बेंट हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ हमारे जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। आयोडीन की वजह से हम लोग अगर पूरा नहीं खाते तो गोइटर करके एक रोग है वो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नेक में स्वेलन होती है। फिर आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस लगती है। सो ये पूरा हमारा चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें से आपको क्या सीखने को मिला कि हमें अच्छे से न्यूट्रिएंट के साथ वाला जो खाना है उसे खाना चाहिए। कौन से होते हैं वो न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स,
minerals, or in addition we have to eat dietary fiber and water also, right? Carbohydrate and fats mainly provide energy to our body. Protein and minerals are needed for growth and maintain our body. Vitamins help of protecting by body against disease, and balanced diet provide all nutrients that our body needs in right quantity along with adequate amount of roughage and water.